management. Today we are going to discuss about Pakistan's national interest. Okay, Pakistan ke jo national interest hai, different priorities aur actions jo hone hai global stage pe se related, hum unhe study karenge. Acha, Pakistan ki agar national interest ki baat ki jaye to ye refer karta hai jo different strategic goals hote hain ya objectives hote hain kisi bhi country ke. और मतलब कि ये उस जो के ये इंश्योर करते हैं, ये परस्यू करते हैं कि उसका जो सर्वाइवल है, उसकी सिक्योरिटी या उसकी वेल बीइंग ग्लोबल एरिना के ऊपर किस तरीके से सर्वाइव कर सकती है, उसका जो एक मफाद है वो किस तरीके से बिल्डअप हो सकता है. और ये तमाम जो नेशनल इंटरेस्ट होते हैं एक किसी भी कंट्री के, वो उसकी पॉलिटिकल लोकेशन है, जो उसकी जियो पॉलिटिकल लोकेशन हो गई, या उसके जो सिक्योरिटी कंसर्न है डिफरेंट, या इकोनॉमिक चैलेंजेस हो गए, डिफरेंट जो रिलेशनशिप्स हैं डिफरेंट ग्लोबल पावर्स के दरमियान में, तो ये तमाम चीजें जो है वो उस कंट्री का जो एक नेशनल इंटरेस्ट है उसे डिफाइन करती हैं. ठीक है जी, तो अब पाकिस्तान के सिनेरियो में पाकिस्तान का जो नेशनल इंटरेस्ट है वो क्या है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान की डिफरेंट प्रायोरिटीज क्या है, वो उसके डिफरेंट ग्लोबल स्टेज के ऊपर वो कौन से एक्शन ले रहा है, तो ये तमाम चीजें हम अकॉर्डिंग टू आवर सीएसएस एग्जाम हमें इनका एक ओवरव्यू लेना है अपने एग्जाम के लिए पाकिस्तान के सिनेरियो में. ठीक है जी, अब यहाँ पे सबसे पहले हमने डिफाइन किया है कि जो कोर कंपोनेंट्स हैं नेशनल इंटरेस्ट के वो कौन कौन से हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव सिक्योरिटी, इंश्योरिंग द सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान. सिक्योरिटी क्या करती है, वो किसी भी मुल्क की जो उसकी सालमियत है, उसकी जो सॉवरेनिटी है, और इसके साथ साथ जो उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको इंश्योर करती है. इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की अगर हम बात करें तो जो नेशनल इंटरेस्ट है वो परस्यू करते हैं सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, ट्रेड को, और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होती है किसी भी कंट्री की, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसके कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट को किस तरीके से बढ़ा सकती है उन्हें ये इंश्योर करती है. स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मेंटेनिंग इंडिपेंडेंस इन फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग. ठीक है जी, एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कंट्री की क्या हो सकती है, उसकी इंडिपेंडेंस को किस तरीके से मेंटेन करना है, उसकी जो खारजा पॉलिसी, उसकी फॉरेन पॉलिसी है डिसीजन मेकिंग के लिए वो किस तरीके से सर्वाइव करेगी. ग्लोबल इमेज को अगर हम देखें तो इट एक्चुअली प्रोजेक्ट पाकिस्तान एज ए रिस्पॉन्सिबल एंड मॉडरेट स्टेट. ठीक है जी, ग्लोबल इमेज नेशनल इंटरेस्ट एक इस तरीके का होना चाहिए कि वो कंट्री का जो एक इमेज है वो बहुत एक अच्छे अंदाज में पेश हो सके. तो ग्लोबल इमेज जो है, अगर पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट अच्छा होगा तो ऑब्वियसली इट विल रिफ्लेक्ट अ पॉजिटिव इमेज एज ए रिस्पॉन्सिबल एंड मॉडरेट स्टेट. ठीक है जी, पाकिस्तान के की नेशनल इंटरेस्ट कौन कौन से हैं. की नेशनल इंटरेस्ट में हमारे पास फर्स्ट पहले वी हैव नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस. नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस की अगर बात करें तो उसमें सबसे पहले वी हैव टेरिटोरियल इंटीग्रिटी. टेरिटोरियल इंटीग्रिटी में क्या है, रिगार्डिंग द कंट्रीज बॉर्डर्स पर्टिकुलरली कंसर्निंग इंडिया एंड अफगानिस्तान. पाकिस्तान के जो बॉर्डर है, ठीक है जी, पर्टिकुलरली यहाँ पे हमने एक्सप्लेन इंडिया और अफगानिस्तान की किया है, तो ये इसकी जो बॉर्डर की हिफाजत है उसकी जो एक टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, कौन सा एरिया किस साइड के साथ लिंक कर रहा है, तो वो बहुत ज्यादा एक मैटर करता है सिक्योरिटी और डिफेंस पर्पजेज के लिए. काउंटर टेररिज्म को अगर देखें, एड्रेसिंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टेररिज्म थ्रू मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक एफर्ट्स. एड्रेस करता है जो डोमेस्टिक या इंटरनेशनल टेररिज्म हो रहा है, अंदरूनी खाना जंगी हो रही है, या बैरूनी कोई मसाइल दरपेश है, तो मिलिट्री और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के जरिए से नेशनल इंटरेस्ट शो करता है कि उन्हें किस तरीके से रिजोल्व करना है. न्यूक्लियर डेटरेंस की बात की जाए तो मेंटेनिंग एंड मॉडर्नाइजिंग पाकिस्तान न्यूक्लियर कैपेबिलिटी फॉर डेटरेंस एंड पर्पजेज. ठीक है जी, जो उसका मॉडर्नाइजिंग न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है पाकिस्तान की, वो सारी चीजें जो है वो इस जो एक एज ए न्यूक्लियर पावर एक पॉजिटिव इमेज, एक मॉडर्नाइज पाकिस्तान का एक उसका जो एक नेशनल इंटरेस्ट है उसको बहुत ज्यादा ये न्यूक्लियर डेटरेंस जो है वो एक जो है वो इस न्यूक्लियर पावर होने की वजह से उसका जो न्यूक्लियर डेटरेंस है, जो एक इमेज है वो मेंटेन और बहुत ज्यादा पॉजिटिव है एज इट्स नेशनल इंटरेस्ट. रीजनल सिक्योरिटी की अगर बात करें तो इंश्योरिंग पीस एंड स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू इंडिया पाकिस्तान टेंशन एंड अफगान सिचुएशन. अफगान सिचुएशन जो है, इंडिया पाकिस्तान टेंशन है, ठीक है जी, ये दो सिचुएशन ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है साउथ एशिया में पाकिस्तान को. तो ये जो है वो क्या करता है, जो रीजनल सिक्योरिटी है वो इंश्योर करती है पीस एंड स्टेबिलिटी को इन साउथ एशिया पर्टिकुलरली इन इंडिया पाकिस्तान टेंशन एंड अफगानिस्तान. ठीक है जी, नेक्स्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी को अगर हम देखें आकर,
according to national interest. First, we have energy security. Securing energy resources and infrastructure to address the country's chronic energy shortages. जो energy resources हैं उनको secure करता है, इसके साथ साथ जो infrastructure है जो कि country की chronic energy shortages को जो है वो शो कर रहा है कि यहाँ पे किस तरीके की है, तो ये तमाम चीजें जो है नेशनल इंटरेस्ट को बहुत ज्यादा एक एम्पावर करती हैं, उसको शो करती हैं कि यहाँ क्या जो एक इनिशियल इंटरेस्ट है वो किस तरीके से बिल्ड अप हो रहा है. तो एनर्जी सिक्योरिटी जो बहुत ज्यादा जरूरी है, और एनर्जी सिक्योरिटी जो है एनर्जी रिसोर्सेज को सिक्योर करना जो है वो या उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को एड्रेस अप करता है कि इस कंट्री के अंदर किस तरीके की इकोनॉमिक ग्रोथ या स्टेबिलिटी जो है वो होगी या हो रही है. ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए, एक्सपेंडिंग एक्सपोर्ट्स एंड अट्रैक्टिंग फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ. नेशनल इंटरेस्ट जो है वो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में क्या करता है कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ाता है. इसके साथ साथ जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो डिफरेंट कंट्रीज की तरफ से फॉरेन कंट्रीज की तरफ से इन्वेस्टमेंट आती है एफडीआई, तो ये चीज क्या करती है, ये स्टिमुलेट करती है इकोनॉमिक ग्रोथ को. इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को अगर हम देखें, यूजिंग फॉरेन रिलेशंस टू सिक्योर फाइनेंशियल एड, लोन्स एंड फेवरेबल ट्रेड टर्म्स. जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है वो किस तरीके से होती है कि जो फॉरेन रिलेशंस हैं उन्हें इस तरीके से यूज किया जाए कि जिन मुवालिक के साथ, जिन फॉरेन कंट्रीज के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, उनसे फाइनेंशियल एड ली जाए या लोन्स लिए जाए, और उन्हें जो फेवरेबल ट्रेड टर्म्स हैं जो मुल्क की तरक्की या उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम आ सके, फेवरेबल ट्रेड टर्म्स में उन्हें यूज किया जा सके. ठीक है जी. स्ट्रेटेजिक अलायंसेस और पार्टनरशिप्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले चाइना पाकिस्तान रिलेशनशिप्स हैं. ठीक है जी. स्ट्रेंथनिंग टाइज विद चाइना थ्रू इनिशिएटिव्स लाइक द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर फॉर इकोनॉमिक्स एंड स्ट्रेटेजिक गेन्स. जो टाइज हैं उन्हें काफी ज्यादा स्ट्रेंथन करते हैं ये रिलेशनशिप अगर स्ट्रेटेजिक अलायंस हो और पार्टनरशिप हो चाइना के साथ जो है, जैसे कि सीपेक है, तो ये इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक गेन काफी ज्यादा इस स्टेप ने किया, और जो टाइज थे दोनों कंट्रीज के दरमियान, जो दोस्ताना ताल्लुकात थे, जो रिलेशनशिप थे, उन्हें काफी ज्यादा बिल्डअप किया है इसने. यूनाइटेड स्टेट्स एंड रिलेशंस की अगर बात की जाए, बैलेंसिंग टाइज विद द यूएस फॉर इकोनॉमिक असिस्टेंस, मिलिट्री सपोर्ट एंड काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन. जो यूएस स्टेट रिलेशनशिप्स हैं, अगर इकोनॉमिक असिस्टेंस की बात की जाए, उनकी तरफ से जो इकोनॉमिक असिस्टेंस मिली, जो मिलिट्री सपोर्ट और काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन वगैरह से भी जो है वो दोनों कंट्रीज के दरमियान में, एक सुपर पावर के दरमियान में और हमारे कंट्री के दोनों के दरमियान में एक जो है वो रिलेशनशिप जो है वो एटलीस्ट बैलेंसिंग सिचुएशन में है. और ये नेशनल इंटरेस्ट में पाकिस्तान के बेहतर है कि वो कुछ इस तरह के कंट्रीज के साथ जो है वो एक बैलेंस रिलेशनशिप के साथ ही रहे. इस्लामिक वर्ल्ड के साथ रिलेशनशिप अगर नेशनल इंटरेस्ट के सिनेरियो में चेक किए जाए, तो मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग टाइज विद द मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज, पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया, टर्की एंड ईरान फॉर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन. ठीक है जी. अब जो पर्टिकुलरली हमारे पास मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज हैं, लेकिन ये कुछ कंट्रीज इस तरह की हैं कि जिनका एक पर्टिकुलर एक इम्पोर्टेंस है, एक उनकी अपनी एक इस जो है वो एक प्लेस है साउथ एशिया में, मिडिल ईस्ट में, इन जगहों पर. तो ये कंट्रीज इन मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज के साथ जो है वो इस्लामिक वर्ल्ड के साथ पाकिस्तान बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, ऑब्वियसली इसका मुस्लिम वर्ल्ड के साथ भी पॉजिटिव रिलेशनशिप होना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो सऊदी अरेबिया, तुर्की और ईरान के साथ जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन है सिस्टर से, वो भी पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को शो करती है और उसे बिल्डअप करती है. ओके, इफ वी डिस्कस अबाउट डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट में क्या है जी, मल्टीलेटरलिज्म में क्या हो रहा है कि जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात है वो किस तरीके से हैं, कैसे कैसे ताल्लुकात उसके बिल्डअप हो रहे हैं. इवन पाकिस्तान का रिलेशनशिप जो है वो यूनाइटेड नेशंस के साथ, पाकिस्तान का रिलेशनशिप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ, WTO के साथ, डिफरेंट जो OIC कंट्रीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, पाकिस्तान का रिलेशनशिप विद साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी SAARC के साथ, ग्लोबल पीस और पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उन्हें सिक्योर करने के लिए. तो ये मल्टीलेटरलिज्म है, यानी एक कंट्री का बाकी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन और कंट्रीज के साथ एक एंगेजमेंट किस तरह की, उनके साथ एक रिलेशनशिप किस तरह का है, ये मल्टीलेटरलिज्म कहलाता है.
ठीक है, और इसमें पाकिस्तान का इंडिविजुअली इन तमाम कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप आपने बहुत ज्यादा जो है वो इसको ब्रीफली एनालाइज करना है कि किसके साथ कब एक एंगेजिंग सिचुएशन पाकिस्तान के स्टार्ट हुई, यूएन के साथ या डब्ल्यूटीओ के साथ, ओआईसी के साथ, सार्क के साथ, ताकि पाकिस्तान इन ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर कब से है, कितने कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं, इनकी एक्चुअली में वर्किंग क्या है। तो ये मल्टीलेटरलिज्म का ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पाकिस्तान का इन तमाम के साथ जो है वो रिलेशनशिप जो है वो बहुत ब्रीफली जो है उसे स्टडी करना है। ओके, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की अगर बात आ जाए यहाँ पर हमारे पास, तो एडुकेटिंग फॉर पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स स्पेशली कश्मीर इशू ऑन ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स। ठीक है जी, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्या है कि जो पीसफुल रेजोल्यूशन है कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर, मीन्स के तनाजा तो है, ठीक है, अगर हमारे पास कश्मीर इशू आ रहा है या इस्लामोफोबिया है, ये इस तरह के इश्यूज हैं कि इनके ऊपर कॉन्फ्लिक्शन तो मौजूद है, लेकिन इन्हें पीसफुल रेजोल्यूशन के तौर पर एक पुरमन तरीके से आपने अपना एहतजाज किस तरीके से ग्लोबल प्लेटफॉर्म से पहुंचाना है, तो ये तमाम चीजें जो है वो आपका आप अपने नेशनल इंटरेस्ट के थ्रू ही इन्हें शो कर सकते हैं, और आपको इन्हें कॉन्फ्लिक्शन जो है उसे किस तरीके से अपने पीसफुल सिचुएशन में पहुंचाना है ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, उसे ब्रीफली एनालाइज करना है और उससे सिनेरियोस को स्टडी करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट वी हैव रीजनल स्टेबिलिटी। रीजनल स्टेबिलिटी में हमारे पास अफगान पॉलिसी है। ठीक है जी, सपोर्टिंग अ पीसफुल एंड स्टेबल अफगानिस्तान टू एंश्योर रीजनल सिक्योरिटी एंड प्रिवेंट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है वो उसके लिए पीसफुल रिलेशनशिप और स्टेबल रिलेशनशिप अफगानिस्तान के साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि रीजनल स्टेबिलिटी जो है वो कायम हो सके। इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप्स की अगर बात की जाए, फोकसिंग ऑन द रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर डिस्प्यूट, मेंटेनिंग स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। इसमें तीन चीजों के ऊपर फोकस जरूरी है, फर्स्ट कश्मीर इशू, ठीक है जी, कश्मीर डिस्प्यूट के ऊपर, सेकेंड मेंटेनिंग स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी, जो स्ट्रेटेजीज में डिफरेंस आ रहा है दोनों कंट्रीज का, इसके साथ रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट है दोनों मलिक अफवाज के दरमियान, जो डिफरेंट तनाजात हैं, जो कुछ तनाव पाया जाता है, उन चीजों को रिजोल्व करना, तो ये तमाम चीजें एक बेटर वे में अगर रिजोल्व हो तो रीजनल स्टेबिलिटी दोनों रीजन के अंदर जो है वो कायम हो सकती है, खत्ते के अंदर एक अमन की सूरत हाल जो है वो कायम हो सकती है। ग्लोबल एक्शंस ऑफ सेफगार्ड नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है जी, ग्लोबल एक्शंस नेशनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए कौन कौन से हैं, मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स। सबसे पहले न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर एर्सेनल है एज ए डेटरेंट अगेंस्ट एग्रेशन फ्रॉम रीजनल राइवल्स स्पेशल इंडिया। ठीक है जी, स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स क्या होने चाहिए कि कुछ इस तरह के इंसेंटिव दिए जाए, इस तरह के स्टेप्स उठाए जाए कि जो रीजनल राइवल्स हैं उनके अगेंस्ट एक कंटिन्यूअसली डेवलपमेंट रहे, और जो एक जो एग्रेशन है रीजनल राइवल्स का उसके अगेंस्ट एक डेटरेंट हमारे पास मौजूद हो। ठीक है जी, कंटिन्यू डेवलपमेंट होनी चाहिए पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल के अंदर, ठीक है, ताकि अगर कोई रीजनली तौर पर आपको कंट्री को थ्रेट कर रहा है, उसके सेवरिटी के ऊपर कुछ ब्लेम आ रहा है, तो उसके अगेंस्ट आपको एज ए डेटरेंट जो है डेटरेंट एग्रेशन मौजूद होना चाहिए। और ये चीजें जो है नेशनल इंटरेस्ट की वो मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स में ही आ सकती हैं। डिफेंसिव डिप्लोमेसी की अगर बात करें, तो एंगेजिंग विद ग्लोबल पावर्स लाइक यूएस, चाइना एंड रशिया फॉर डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग। ठीक है जी, जो ग्लोबल पावर्स है इस वक्त कंट्री इस वक्त वर्ल्ड में यूएस है, चाइना और रशिया। ठीक है, यूएस, चाइना एंड रशिया, इनके साथ जो है वो इस तरह के रिलेशनशिप्स, ताकि जो इनके टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग है, डिफेंस टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग है वो हासिल की जा सके, जो डिफरेंट अफवाज हैं वो आपस में मिलिट्रीज जो है वो ट्रेनिंग करती हैं, और ग्लोबल पावर्स के दरमियान में जब इस तरीके से रिलेशनशिप होगा तो फिर ऑब्वियसली वो एक डिफेंसिव डिप्लोमेसी इख्तियार सिचुएशन करेगी, और जो रीजनल राइवल्स हैं उनके वो एटलीस्ट इतने ज्यादा खुले तौर पर अपनी आजादाना तौर पर जब अपना एग्रेशन जो है वो नहीं शो कर सकते। काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन की अगर बात करें, तो पार्टिसिपेटिंग इन ग्लोबल एंड रीजनल काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स इंक्लूडिंग इंटेलिजेंस शेयरिंग विद द यूएस एंड रीजनल नेबर्स। काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन मींस के टेररिज्म से बचने के लिए जो डिफरेंट एफर्ट्स किए जाए, जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन जो एक्ट्स किए जा रहे हैं, एफर्ट्स किए जा रहे हैं, उसमें क्या है कि डिफरेंट एजेंसीज आपस में शेयर हो रही हैं, जैसे कि यूएस के साथ, ठीक है जी, इसके साथ साथ रीजनल लेबर के साथ। इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स को अगर हम डिस्कस करें, हम यहाँ पर इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है,
चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सी पैक पे जो है वो लेवरेज करता है टू बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एनहांसिंग पाकिस्तान कनेक्टिविटी ग्लोबल मार्केट्स। ग्लोबल मार्केट के साथ पाकिस्तान का जो एक जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही है या इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी वगैरह जो बूस्टअप हो रही है उसे काफी ज्यादा सीपैक जो है वो उसने बहुत ज्यादा एक प्रोग्रेस में मदद दी है ग्लोबल मार्केट में पाकिस्तान की कनेक्टिविटी को। इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स को अगर देखें तो इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स जो है उसमें हमारे पास एक्टिवली सीकिंग ट्रेड एग्रीमेंट्स विद की ग्लोबल इकोनॉमीज पर्टिकुलरली अंडर द GSP प्लस स्टेटस विद द यूरोपियन यूनियन टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स। इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स जो है वो एक्चुअली में हेल्प आउट किस तरीके से करते हैं कि जब किसी कंट्री के साथ एक इंटरनेशनल कंट्री के साथ आपका एक ट्रेड एग्रीमेंट होगा तो ऑब्वियसली इट विल बूस्ट अप द इकोनॉमी, इट विल बूस्ट अप द ट्रेड। तो ये चीजें जो है वो नेशनल इंटरेस्ट को बहुत ज्यादा एक हाई रेंज की तरफ ले जाती हैं, ठीक है जी। और जो ये इस तरह का जो पर्टिकुलरली जो स्टेटस है वो काफी ज्यादा बूस्टअप हो जाता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें, अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय इंप्रूविंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड पार्टिसिपेटिंग इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम्स लाइक द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है जी। डिफरेंट जिस तरीके से अभी ऊपर बात हुई कि अगर ट्रेड होगी डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज के साथ तो वो उसको जो इकोनॉमी है उसको बूस्टअप करेगी, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना और इससे इसके जरिए से जो बिजनेसेस हैं या जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम्स हैं उनमें पार्टिसिपेट करना उसमें काफी ज्यादा बेनिफिट हासिल होगा, जैसे कि डिफरेंट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स वगैरह हैं, इससे कंट्री के जो नेशनल इंटरेस्ट है उसे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को अगर देखें तो फर्स्ट वी हैव कश्मीर एडवोकेसी, रेजिंग द कश्मीर इशू एट द यूनाइटेड नेशंस UN OIC एंड अदर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स टू बिल्ड ग्लोबल प्रेशर ऑन इंडिया एंड हाईलाइट ह्यूमन राइट अब्यूजेस, ठीक है जी। अब कश्मीर इशू पर इंडिया के ऊपर प्रेशर डालने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जिन ऑर्गेनाइजेशंस का इंडिया खुद भी मेंबर है लाइक यूनाइटेड नेशंस OIC या दूसरे जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं तो वहां पर उसके ऊपर जब डिफरेंट कंट्रीज की तरफ से एक ग्लोबल प्रेशर जाएगा तो ऑब्वियसली ये चीज जो है वो कश्मीर इशू को जो है वो एडवोकेसी के लिए उसके बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो डिप्लोमेटिक एफर्ट में सबसे पहले ये हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट वी हैव अफगान पीस प्रोसेस, प्लेइंग मीडिएटिंग रोल इन द अफगान पीस प्रोसेस इंक्लूडिंग सपोर्टिंग डायलॉग बिटवीन तालिबान एंड अफगान गवर्नमेंट। दोनों अफगानिस्तान का पीस जो वो डायरेक्टली लिंक कर रहा होता है काफी ज्यादा पाकिस्तान के साथ, तो दोनों के दरमियान में सपोर्टिंग डायलॉग के लिए तालिबान अफगान गवर्नमेंट के दरमियान में जो है वो एक मीडिएटिंग रोल प्ले करता है डिप्लोमेटिक एफर्ट्स। क्लाइमेट डिप्लोमेसी की अगर हम बात करें तो डिफरेंट इंटरनेशनल क्लाइमेट एग्रीमेंट्स हैं, ठीक है जी, जैसे पेरिस एग्रीमेंट हुआ था और डिफरेंट जो क्लाइमेट फाइनेंस एड्रेस है वो इम्पैक्ट करते हैं क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान के ऊपर जो अफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंट एग्रीमेंट्स में पार्टिसिपेट करना इंटरनेशनल क्लाइमेट एग्रीमेंट जो डिफरेंट ग्लोबल वार्मिंग के लिए और इन चीजों के लिए बनाए गए हैं वो सारे के सारे भी एक नेशनल इंटरेस्ट शो करते हैं कि दिस कंट्री इज एक्चुअली टेकिंग इंटरेस्ट फॉर वर्ल्ड ग्लोबल वार्मिंग और एनीथिंग लाइक दिस। तो ये जो है वो उस कंट्री का नेशनल इंटरेस्ट शो करता है और उसको एक डिप्लोमेसी उसकी क्लियर कर देता है। स्ट्रेंथनिंग टाइज विद द ग्लोबल पार्ट्स के साथ अगर टाइज को देखा जाए, ठीक है जी, तो ग्लोबल पार्ट्स के दरमियान में सबसे पहले वी हैव चाइना, स्ट्रेटेजिक बैलेंस ऑब्वियसली मच नीडेड, इकोनॉमिक डिफेंस टाइज विद चाइना अंडर सीपैक अम्ब्रेला एंड अदर जॉइंट वेंचर्स, डिफरेंट जो जॉइंट वेंचर्स हो रहे हैं चाइना के साथ सीपैक है, इकोनॉमिक एनहांस स्ट्रेटेजिक्स हैं, डिफरेंट डिफेंस टाइज हैं, मिलिट्री ट्रेनिंग वगैरह, तो ये चीजें जो है वो स्ट्रेंथन अप करती हैं टाई को, ताल्लुक को मजबूत करती हैं, इसका नेशनल इंटरेस्ट को जो है वो काफी ज्यादा एम्पावर करती हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के साथ बैलेंसिंग रिलेशनशिप विद द US थ्रू कॉपरेशन इन सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म वाइल मिनिमाइजिंग डिपेंडेंस ऑन USA। नेक्स्ट वी हैव रशिया, एक्सपेंडिंग इकोनॉमिक एंड मिलिट्री कॉपरेशन विद रशिया इंक्लूडिंग एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर एनर्जी कोलेबोरेशन एंड डिफेंस सेल्स। तो रशिया के साथ जो रिलेशनशिप है, ठीक है जी, अब ये इकोनॉमिकली और मिलिट्री कॉपरेशन दोनों चीजें रशिया के साथ जिसमें आपके जो एनर्जी कोलेबोरेशन है या डिफेंस सेल्स वगैरह हैं ये भी बहुत ज्यादा नेशनल इंटरेस्ट के लिए एक बूस्टर के तौर पर काम कर रहा है, बिकॉज एज ए सुपर पावर्स के साथ आपका रिलेशन होना एक कंट्री का बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। इस्लामिक कंट्रीज के साथ बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम वर्ल्ड के साथ इसका रिलेशन
Saudi Arabia, UAE, Iran and Turkey, including securing financial assistance and remittance from expatriate workers. ठीक है जी, जो remittance हो रही है, workers different यहाँ से जा रहे हैं, जो economic cooperation है या political economic cooperation, this one is actually helping out for building up the national interest. नेक्स्ट, अगर हम मल्टीलेटरल एंगेजमेंट की बात करें फॉर नेशनल इंटरेस्ट के लिए, जिस तरीके से बात की पाकिस्तान जो डिफरेंट मेंबर है, यूएन का है, ओआईसी का है, सार्क का है, तो ये किस तरीके से ये रिलेशनशिप जो थोड़ा सा बिल्डअप हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा समराइज किया जा रहा है, बट यू हैव टू एक्चुअली रीड कम्प्लीटली एनालाइज कम्प्लीटली डिस्कस द टॉपिक. इसको आपने ब्रीफली अपने पास जो है इसके नोट्स बनाने हैं ताकि आपको एक कम्प्लीट हिस्ट्री इस चीज की मिल सके कि यूएन के साथ कब पाकिस्तान का जो है वो बिल्डअप हुआ था रिलेशनशिप, इनके मेन पॉइंट्स क्या हैं, इस फोरम के मेंबर्स कौन कौन से हैं और ये किस तरीके से पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को जो है वो एनहांस कर रहा है. ठीक है जी, यूनाइटेड नेशंस के साथ है सबसे पहले पीस मेकिंग मिशंस. फर्स्ट सिनेरियो पीस मेकिंग मिशंस, एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन यूएन पीस मेकिंग मिशंस टू बूस्टर पाकिस्तान ग्लोबल इमेज एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट. पाकिस्तान का जो ग्लोबल इमेज है उसे बूस्टर करने के लिए एक एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पर, कि यूएन जो है वो पीस कीपिंग है, यूनाइटेड नेशन जो इसका काम अमन की सूरत हाल को कायम रखने का है. ठीक है जी, अब पाकिस्तान का अगर इसके साथ एक एक्टिव पार्टिसिपेशन होगी तो ऑब्वियसली एक ऐसा कंट्री जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है पीस मेकिंग एक्टिविटीज में, तो इट मीन्स के दिस दैट स्टेट इज एक्चुअली अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट. तो एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पे पाकिस्तान का इमेज है वो उभर के सामने आता है. ग्लोबल फोरम्स में अगर बात की जाए तो यूजिंग द यूएन जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल टू रेज की इश्यूज सच एज कश्मीर डिस्प्यूट एंड ग्लोबल काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स. अब ये पीस कीपिंग जो है वो प्लेटफॉर्म है. ठीक है जी, तो यहाँ की यूएन की जनरल असेंबली में या सिक्योरिटी काउंसिल में अगर की इश्यूज जो इस कंट्री को इस वक्त पेश आ रहे हैं, जैसे कश्मीर डिस्प्यूट है या ग्लोबल टेररिज्म काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स वगैरह है, इस्लामोफोबिया है, तो इन इश्यूज को जब वहां पे राइज किया जाता है तो वो इंटरनेशनली सुने जाते हैं और उनके ऊपर कोई ना कोई ऑब्वियसली एक्शन लिया जाता है और एक एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट जो है वो इमेज बिल्डअप होता है. तो ये यूएन जो है वो एज ए इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट जो है उसको एंगेज करने के, उसको बिल्डअप करने के लिए बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव रोल प्ले करता है और उसको सामने लेकर आता है. नेक्स्ट, वी हैव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन ओआईसी. ओआईसी एक्चुअली में क्या करता है, मुस्लिम यूनिटी को शो कर रहा है. ठीक है जी, एडुकेटिंग फॉर ग्रेटर यूनिटी विद इन द मुस्लिम वर्ल्ड एंड एड्रेसिंग चैलेंजेस लाइक इस्लामोफोबिया पर्टिकुलरली इन वेस्टर्न कंट्रीज. जो वेस्टर्न कंट्रीज में इस्लामोफोबिया का एक बहुत ज्यादा वो इस्लाम को एक कंटिन्यूसली जो है वो एक एक्चुअली में लिंक ही जो है वो टेररिज्म के साथ करते हैं, तो इस्लामोफोबिया एक वर्ल्ड इस्लाम या मुस्लिम होना ही उनके लिए बहुत ही फोबिक किस्म की कंडीशन हो जाती है. तो इस चीज को मुस्लिम यूनिटी के साथ शो करना कि ये जो डिफरेंट चैलेंजेस हैं इस्लामोफोबिया के जो मुस्लिम कंट्रीज को फेस करने पड़े हैं, डिफरेंट उनके उनकी ट्रेड में, उनकी ट्रैवलिंग में, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ में, उनकी डेवलपमेंट में, एजुकेशन ईच एंड एवरीथिंग में, तो इस चीज को किस तरीके से अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू बाकी वर्ल्ड तक पहुंचाना है. तो ओआईसी एक्चुअली में जो इस्लामिक कॉपरेशन मुस्लिम्स के जो भी सिनेरियोज हैं उन्हें आगे एक टीम अप होकर मुस्लिम वर्ल्ड जो करती है और पाकिस्तान जो है वो उसका भी एक एक्टिव मेंबर है. पैलेस्टाइनियन इश्यूज, ठीक है, फलस्तीन का इशू, पैलेस्टाइन, सपोर्टिंग द पैलेस्टाइन स्ट्रगल फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑन ओआईसी प्लेटफॉर्म. एक सेल्फ डिटर्मिनेशन की स्ट्रगल के तौर पे जो पैलेस्टाइन इशू है उसे ओआईसी के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मेंशन करना. ठीक है जी, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, सार्क, एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है जी, डिफरेंट साउथ एशियन कंट्रीज की और रीजनल की जो है ये कॉपरेशन बनाई गई थी. इसमें क्या है, सबसे पहले तो रीजनल कॉपरेशन है, रीजनल कॉपरेशन है जो कि एडुकेट करता है जो डिफरेंट इकोनॉमिक कल्चर या सिक्योरिटी इश्यूज हैं. ठीक है जी, टेंशन दोनों कंट्रीज के होने के, अच्छा जी, रीजनल कॉपरेशन एडुकेट करता है, एडुकेटिंग फॉर इंक्रीज रीजनल कॉपरेशन ऑन इकोनॉमिक कल्चर एंड सिक्योरिटी इश्यूज डिस्पाइट इंडिया पाकिस्तान टेंशन. इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में टेंशन तो है लेकिन सार्क मेंबर जो है वो इंडिया भी है. ठीक है जी, अब बेशक दो कंट्रीज के दरमियान में एक टेंशन वाली सिचुएशन है लेकिन जो रीजनल कॉपरेशन है, एक आपस में एक रीजन में कंट्रीज रह रहे हैं तो उनके टेंशन के बावजूद उनका आपस में जो इकोनॉमिक कल्चरल या सिक्योरिटी इश्यूज हैं उनके ऊपर बात करना और उन्हें किस तरीके से रिजॉल्व करना है, उनके ऊपर आपस में किस तरह से बातचीत करनी है, ये तमाम इश्यूज को अपने जो उनका जो टेंशन है उन कंट्रीज के दरमियान जो कंफ्लिक्शन है उसको साइड पे रखते हुए इसके ऊपर किस तरीके से बात करनी है और इस इश्यूज को, रीजनल इश्यूज को किस तरीके से हाईलाइट करना है,
तो सार्क जो है वो एक्चुअली में इस चीज को बहुत ज्यादा पॉजिटिवली आगे लेकर चलती है. ट्रेड एंड कनेक्टिविटी सपोर्टिंग सार्क इनिशिएटिव्स एम्ड एट इंप्रूविंग ट्रेड एंड कनेक्टिविटी बिटवीन साउथ एशियन कंट्रीज. ठीक है जी, जो सार्क के इनिशिएटिव है एक्चुअली में वो उनका जो मोटिव ये है कि जो ट्रेड है या कनेक्टिविटी है साउथ एशियन कंट्रीज के दरमियान में वो कायम रहे और साउथ एशिया जो है वो उसकी जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है या डेवलपमेंट है वो बरकरार है. तो इसके लिए ये कनेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है और नेशनल इंटरेस्ट के लिए इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करना और इनके साथ अपने रिलेशनशिप्स को अपनी जो ग्रोथ एक्टिविटी है उसको बिल्डअप करना बहुत ज्यादा जरूरी है. फाइनेंशियल एक्शन FATF. ठीक है जी, ये एक्चुअली में क्या है FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. ठीक है जी, अब ये किस चीज को के साथ वर्क करती है एक्चुअली में, काउंटरिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग. ठीक है जी, अब ये एक्चुअली में क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम क्या होता है कि जो ये डिफरेंट पॉलिसीज को बनाती है. ठीक है, पॉलिसीज को बनाना और उन्हें प्रमोट करना जिसके थ्रू जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है किसी भी कंट्री का उसे एक उसे प्रोटेक्ट करती है. जैसे डिफरेंट मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह केसेस हो जाते हैं या टेररिस्ट फाइनेंसिंग है, PF वगैरह होगी, पॉलिफोरेशन फाइनेंसिंग होगी, तो इन चीजों के अंदर ये हेल्प आउट करती है किसी भी कंट्री को. अब पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को लेकर जो चैलेंजेस हैं, ठीक है डिफरेंट, उसमें सबसे पहला चैलेंज है जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस इंडियाज रीजनल एम्बिशंस. इंडिया के जो एम्बिशंस हैं जैसे काउंटरिंग इंडियाज ग्रोइंग रीजनल इन्फ्लुएंस पर्टिकुलरली थ्रू स्ट्रेटेजिक अलायंसेस लाइक क्वाड, US, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया. ठीक है जी, जो इंडिया के डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस हैं उसका पाकिस्तान के कंपैरिजन में इंडिया के जो है वो रीजनल इन्फ्लुएंस जो है वो ज्यादा है. किसके साथ, उसके स्ट्रेटेजिक अलायंस जो है वो US के साथ, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत ज्यादा है. तो ये चीजें एक्चुअली में पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन है कि एक रीजनल है, अगर वहां से उन्हें ऑब्वियसली ज्यादा बेटर फैसिलिटी मिल रही है, उनके साथ ज्यादा बेटर रिलेशनशिप बिल्डअप हो रहा है, तो वो पाकिस्तान के तो कुछ रिलेशनशिप थोड़ा सा वीकन ही होगा. लेकिन क्योंकि स्ट्रेंथन एक जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक अलायंस जो है वो इन कंट्रीज का इंडिया के साथ है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो पाकिस्तान को फेस करना पड़ता है. अफगानिस्तान स्टेबिलिटी, मैनेजिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड रिफ्यूजी इन्फ्लक्स फ्रॉम अफगानिस्तान वाइल सपोर्टिंग अ पीसफुल पॉलिटिकल ट्रांजिशन. ठीक है जी, ये अफगानिस्तान इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा जो एक रेफ्यूजी इन्फ्लक्स है अफगानिस्तान की तरफ से जो एक आ रहा है, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, एक पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट है एक पीसफुल पॉलिटिकल ट्रांजिशन की तरफ. लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से जब इस तरह के सिचुएशन बिल्डअप होती है तो इस चीज को मैनेज करना, एक पीसफुल सिचुएशन मैनेज करना क्रॉस बॉर्डर सिचुएशन, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग आ जाती है. इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज की बात की जाए तो फर्स्ट वी हैव डेट इंडिपेंडेंसी एंड सेकंड ट्रेड डेफिसिट. इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज में डेट डिपेंडेंसी किस तरीके से है कि जो हाई लेवल के एक्सटर्नल डेब्ट्स हैं वो पाकिस्तान की जो एबिलिटी है इंडिपेंडेंट होने की नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर कि उसने किस तरीके से इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से डेवलपमेंट और ग्रोथ में करना है, तो उसमें एक तरह से आप ये कह लीजिए कि पाकिस्तान के हाथ बंधे हुए होते हैं बिकॉज ऑफ ऑल दीज जो डेब्ट कर्जों में दबा हुआ है कंट्री, एक्सटर्नल डेब्ट्स हैं, इसके साथ साथ जो IMF की शराइत वगैरह हैं, वर्ल्ड बैंक की हैं, तो ये तमाम चीजें जो है एक डेब्ट डिपेंडेंसी क्रिएट करती हैं और इसकी वजह से इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी क्रिएट होती है एंड इट ऑल्सो अफेक्ट द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान. ट्रेड डेफिसिट्स की अगर बात करें तो ट्रेड डेफिसिट्स में जो इम्बेलेंस है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का वो इकोनॉमी की वजह से काफी ज्यादा तनाव का शिकार रह रहा है और ये नेशनल सिक्योरिटी डिप्लोमेटिक लेवरेज को भी बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है. डिप्लोमेटिक आइसोलेशन इंडियाज ग्लोबल आउटरीच. इंडिया सक्सेसफुल डिप्लोमेटिक आउटरीच इन द वेस्ट एंड मिडिल ईस्ट हैज चैलेंज्ड पाकिस्तान्स नैरेटिव ऑन कश्मीर एंड रीजनल सिक्योरिटी. अब पाकिस्तान का जो एक डिप्लोमेटिक आउटरीच है उसका वेस्ट और मिडिल ईस्ट के साथ जिस तरीके का रिलेशनशिप बिल्डअप हो चुका है, जितनी वो उनकी जो डिप्लोमेसी है वो बहुत ज्यादा बिल्डअप हो चुकी है बाकी कंट्रीज के साथ, उनका जो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्डअप हो चुका है, वो चीजें पाकिस्तान को बहुत ज्यादा चैलेंज का सामना करना है उसकी वजह से. और अपना जो नैरेटिव्स हैं, जो पॉजिटिव नैरेटिव्स हैं रीजनल सिक्योरिटी के, कश्मीर इशू के भी, बिकॉज के उनका अगर एक दो कंट्रीज के आपस में ज्यादा बेहतर ताल्लुकात हैं तो वो एक तीसरे अंडर डेवलप कंट्री है जिसके साथ उनके ज्यादा बेटर टर्म्स एंड रिलेशनशिप्स नहीं है, जहां से उनको ज्यादा कोई इकोनॉमिकली
या कल्चरली एनीथिंग कोई इस किस्म का फायदा बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो वो उस कंट्री के मुकाबले में ऑब्वियसली उसी कंट्री को ज्यादा एक प्रेफर करेंगे, उसकी बात सुनना या उसके पॉइंट ऑफ व्यू उसको लेना जिसके पास ये तमाम चीजें ज्यादा मौजूद हैं। तो इंडिया की जो डिप्लोमेटिक आउटरीच रही है पिछले कुछ सालों में, तो इसने पाकिस्तान के जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार कर दिया है और पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट जो ग्लोबल आउटरीच है वो काफी कम हो गई है। परसेप्शन ऑफ टेररिज्म की अगर बात करें, पाकिस्तान हिस्टोरिकल एसोसिएशन विद टेररिज्म डिस्पाइट रिसेंट एफर्ट्स टू काउंटर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स कंटिन्यूस टू अफेक्ट इंटरनेशनल इमेज। जो पास्ट में जो टेररिज्म एक्ट्स हो चुके हैं, जो पास्ट में जो हिस्टोरिकल एसोसिएशन बनी टेररिज्म की, ठीक है जी, उन्होंने एक ऐसा इमेज, एक ऐसा एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के तौर पर पाकिस्तान को एक नाम उसका फैल चुका है कि अब उसके ऊपर ट्रस्ट करना और इस किस्म की चीजें जो है वो अपना एक इंटरनेशनल इमेज बनाना जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। और ये एफर्ट जो है वो अक्सर बिल्कुल जो है वो इतनी ज्यादा कामयाब नहीं हो पा रही हैं, ठीक है जी, डिस्पाइट ऑफ ऑल द एफर्ट्स जो काउंटर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के अगेंस्ट जो डिफरेंट पाकिस्तान ने स्टेप्स लिए, उसके बावजूद जो पाकिस्तान का इमेज है वो वैसा बिल्डअप नहीं हो पाया जिस तरह का उसका एक इंटरनेशनल इमेज बिल्डअप होना चाहिए था। क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें तो वल्नरेबिलिटी टू डिजास्टर्स, पाकिस्तान जियोग्राफिकल लोकेशन मेक्स इट हाईली वल्नरेबल टू द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज रिक्वायरिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड क्लाइमेट फाइनेंस टू मिटिगेट रिस्क। डिफरेंट जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, पाकिस्तान की जियोग्राफिकल लोकेशन क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा इसको इम्पैक्ट करता है, ठीक है जी, और इसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बहुत ज्यादा नीड है ताकि जो क्लाइमेट फाइनेंस है वो जो रिस्क आ रहे हैं डिफरेंट उन्हें मिटिगेट कर सके। कंक्लूजन की तरफ अगर हम आ जाए, अगर हम अपना ऊपर से जितना हमने अभी पढ़ा उसको समअप करें, तो पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप, पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट है, जो पाकिस्तान का कौमी मफाद है, वो तमाम चीजें उसके पाकिस्तान के डिफरेंट कंट्रीज के साथ बहुत ज्यादा ये चीजें अफेक्ट करती है। उसमें पाकिस्तान का रिलेशन हो गया, पाकिस्तान के रूल ऑफ लॉ हो गए, अकाउंटेबिलिटी हो गई, मिलिट्री रिलेशंस हो गए, या कश्मीर इशू हो गया, यूएन रेजोल्यूशंस हो गई, सार्क के साथ रिलेशनशिप हो गया, डिफरेंट नेबरिंग कंट्रीज के साथ, मुस्लिम कंट्रीज के साथ टाइज किस तरह के हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, डेमोक्रेसी और डिफरेंट न्यूक्लियर डेटरेंस, तो ये तमाम चीजें हैं पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। और एक जो सस्टेनेबल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है या रिफॉर्म्स है या स्ट्रेटेजिक अलायंसेस है पाकिस्तान के, वो उसमें पाकिस्तान का एम यही है कि इसको पाकिस्तान का जो नेशनल इंटरेस्ट है उसे प्रमोट किया जाए, उसे प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है जी। तो इसके लिए अब डिफरेंट स्ट्रेटेजीज को इन डिफरेंट कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप्स को पाकिस्तान के स्टडी करना, उनको ब्रीफली डिस्कस करना और पाकिस्तान के करंट सिनेरियोज को और डिफरेंट ग्लोबली तमाम सिनेरियो को पढ़ के आपका एनालाइज करके इसका आंसर इंशाल्लाह इसको टॉपिक से आपको काफी हेल्प आउट हो जाएगा कि आपने इस क्वेश्चन की अपने उनको लिंक किस तरीके से करना और अपने क्वेश्चन की आउटलाइन कैसे बनानी है, ठीक है जी। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह जल्दी अपलोड हो जाएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।